मैं ये सुनता हुआ आ रहा हूँ कि घर में कोई भी गेस्ट आता था तो पहले मम्मी को फोन करके बोलता था कि आप अपने वाला पालक पनीर जरूर बना के रखना। अब ऐसा क्या था उस पालक पनीर में, बचपन में तो कभी समझ में नहीं आया। मैंने मम्मी से पूछा कि उसमें क्या मिलाते थे, तो दोस्तों आज आपको वो ही दिखाता हूँ। एकदम यूनिक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हूँ भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहला काम जो मम्मी करती है वो ये है कि उबलते हुए पानी में थोड़ी सी चीनी डालती है। चीनी डालने से पालक का कलर भी मेंटेन रहता है, और तो और जो पालक की हल्की सी बिटरनेस होती है ना, वो उसका भी ध्यान रखती है। पालक के पत्तों के साथ मैंने यहाँ पर धनिया की डंठल डाली है और साथ में हरी मिर्च डाली है थोड़ी सी, और इन सब चीजों को आपको 5 मिनट तक आराम से अच्छे से उबालना है। 2-3 मिनट ब्लांच मत करना दोस्तों, थोड़ी देर तक आप अच्छे से उबालना जरूर, ताकि पालक के पत्ते डंठल जो है वो थोड़ी सी नरम हो जाए। अगर दोस्तों आप बहुत बड़े पालक के पत्ते यूज कर रहे हो तो आप स्टेम्स को अवॉइड कर सकते हो, लेकिन अगर छोटे पत्ते हैं तो उनको आप आराम से यूज कर सकते हो। पालक को 5 मिनट अच्छे से उबालने के बाद आप यहाँ पर सीधा ही निकाल कर इसको ठंडे ठंडे पानी में डाल देना। आप देख सकते हो कि मैंने पानी में बर्फ पहले से ही डाल रखी है, और ये करने से पालक की कुकिंग रुक जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पालक को पीसना कैसे है। पीसने से पहले आप पालक में जितना ये एक्स्ट्रा पानी है ना, ये आप निकाल देना, और इसका एक छोटा सा गुच्छा बन जाएगा। 300 से 400 ग्राम पालक थी और कितनी छोटी सी हो गई है ना। सीधा ही आप इसको मिक्सी में डालना, और मिक्सी में पानी नहीं डालना दोस्तों, आपने यहाँ पर तेल डालना है। पानी डालने से पालक की कुकिंग जो है वो स्लो हो जाएगी जब हम एंड में भुनाई करेंगे ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाला है, और आपको ऐसा एक गाढ़ा सा पालक का पेस्ट मिल जाएगा। दूसरा एक पेस्ट आपको बनाना होगा जिसमें कि थोड़ी सी अदरक होगी और काफी सारी लहसुन होगी, और इसमें आपको काफी सारा पानी डालना है और इसका एक पतला सा पेस्ट बनाना है। अब ऐसा क्यों किया है ये तो मैं आपको कुकिंग करते हुए बताऊंगा, क्योंकि इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट कुकिंग की ट्रिक है। लेकिन अब सीधा ही चलते हैं दोस्तों अपने लगन पे। मैंने लगन में थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, और सरसों का तेल है तो उसको पहले अच्छे से गर्म कर लिया है। मेरी मम्मी तो कई बार सरसों का तेल ज्यादा जलाती भी नहीं थी, क्योंकि सरसों का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब घर पे बनाओ तो आप अच्छे से जला लेना, और फिर यहाँ पर जीरा डालना, और जीरा के साथ तेज पत्ता और 2 मोटे मोटे कटे हुए प्याज। ध्यान रहे दोस्तों प्याज को एकदम फाइनली चॉप नहीं करना, ऐसे बड़े बड़े चंकी चंकी पीसेस में ही रखना है। ऐसा इसलिए किया है दोस्तों ताकि प्याज जो है वो अच्छे से गल जाए। प्याज आपको ज्यादा ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करने, बस हल्का सा कलर लेना है। जब इनका ऐसा कलर आ जाता है ना कि वो कलर चेंज हो जाता है, हल्का हल्का ब्राउन कलर आना शुरू होता है, तो बस उस स्टेज पर आप यहाँ पर डालना वो जो पतला अदरक लहसुन का पेस्ट था। क्या होगा कि अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर पानी इंट्रोड्यूस कर देगा, और अब प्याज यहाँ पर भुनने बंद हो जाएंगे और गलने शुरू हो जाएंगे। अब ये है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे करने से प्याज की कुकिंग का टाइम बढ़ जाता है, और जितने प्याज है ना वो फ्लेवर के साथ साथ अब गल भी जाएंगे। ये आप करके देखना दोस्तों। थोड़ी देर तक आप यहाँ पर अदरक लहसुन को अच्छे से पका लेना प्याज के साथ, और फिर आधे कटे हुए टमाटर डाल देना। आप चाहो तो आप यहाँ पर टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हो, लेकिन जो टमाटर के छिलके होते हैं ना वो कभी गलते नहीं है, तो आप ध्यान देना कि टमाटर को ऐसे उल्टा रखकर पहले आपने ढक के पकाना है। उल्टा माने कि जो छिलके की साइड है वो नीचे होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे डाला है। बस आप यहाँ पर ढक कर 2-3 मिनट अच्छे से पकाना, इससे टमाटर की जो स्किन है वो बहुत ईजिली निकल जाएगी। जब आप ढक्कन खोलोगे तो टमाटर हल्का सा सॉफ्ट भी हो चुका होगा, और आप ऐसे दबाओगे ना तो ये देखो इसका छिलका बहुत आराम से निकल जाएगा। तो ऐसे आपने सारे टमाटरों की स्किन निकालनी है, और फिर कोई भी करछी लेकर यहाँ पर ऐसे टमाटरों को क्रश कर देना, आराम से गल जाएंगे दोस्तों, और एकदम चंकी चंकी आपकी ग्रेवी बनेगी। मैंने दोस्तों आपको कई बार पेक्टिन के बारे में तो बताया ही है कि कैसे वो ग्रेवी को गाढ़ा करता है और कैसे वो थिकनेस और टेक्सचर लेकर आता है। तो अगर आप फाइन पीस दोगे, यानी कि प्याज टमाटर को पूरा पीस दोगे, तो ग्रेवी का टेक्सचर एकदम अलग आएगा, और ऐसे चंकी चंकी रखोगे तो ग्रेवी का टेक्सचर एकदम दरदरा आएगा। टमाटर आए हैं तो नमक तो डालना बहुत जरूरी है, और नमक के साथ साथ आप यहाँ पर हल्दी पाउडर भी डालना, लाल मिर्च पाउडर भी डालना, और भर के धनिया पाउडर भी डालना। घर पे मम्मी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर बिल्कुल यूज नहीं करती थी, और मेरे हिसाब से यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ना डालने से पालक का कलर और भी निखर के आता है। आप यहाँ पर मसालों को खुले बर्तन में थोड़ी देर तक पकाना, और फिर ढक्कन लगा देना। ढक्कन लगाने से आपके टमाटर तो अच्छे से गलेंगे बिल्कुल, लेकिन प्याज जो है ना वो भी नरम हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ अभी।
आप प्याज देखो, प्याज को मैं अगर चम्मच से थोड़ा सा प्रेस करूंगा ना तो वो एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं दोस्तों। तो इस टाइम पे जब आपका तेल एकदम अच्छे से अलग हो जाए तो आप यहाँ पर ये एक चीज डालना। अब ये क्या है दोस्तों, जब मिक्सी में आप पालक निकालोगे ना तो उसमें थोड़ी सी पालक रह जाएगी, तो आप पानी डालकर उसको अच्छे से निकाल लेना। और वो पानी पालक के साथ मत डालना, वो पानी आप इस टाइम पर डालना, बहुत जरूरी है दोस्तों ये। इससे क्या होगा कि पालक की कुकिंग में बहुत टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो पालक को आप भुनने बैठोगे और घंटे लग जाएंगे। और ये जो पानी है ये प्याज टमाटर को पूरा गलाने में बहुत मदद करेगा। अभी आप थोड़ी देर और पकाते रहना जब तक कि तेल फिर से ऊपर नहीं आ जाता और पानी गायब नहीं हो जाता। अब दोस्तों आपने यहाँ पर वो जो पालक का जो गाढ़ा सा पेस्ट है वो आपने यहाँ पर डालना है। और मेरी इस बात का ध्यान जरूर देना कि जितना आप पालक को भुनोगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा पालक से। तो थोड़ी सी भुनाई यहाँ पर करना दोस्तों, मीडियम फ्लेम पर, ढक्कन मत लगाना और खुले में ही पकाना। आप थोड़ी देर तक जब भुनोगे तो पालक एकदम दरदरी सी हो जाएगी और उससे हल्का हल्का तेल अलग होना शुरू हो जाएगा। तो बस दोस्तों उस स्टेज तक आपने पालक को भुनना है। कई बार लोग पालक को इतना भुनते नहीं है और इसलिए वो स्वाद आता ही नहीं है। अब लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि लोग पालक को ब्लांच करते हैं या उबाल लेते हैं, फिर उसको सीधा ही ग्रेवी में डालते हैं और बोलते हैं बन गया पालक पनीर। पर दोस्तों सच में अगर आप पालक को अच्छे से भुनो तो पालक का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही एकदम अलग आता है। आप ऐसे करके देखना, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। पालक को बहुत अच्छे से जब आप भुनोगे, दानेदार जब हो जाएगा, तो आप यहाँ पर ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट जरूर डालना। ये आपके पालक पनीर को एक बहुत ही अमेजिंग फिनिशिंग सी देगा। फिनिशिंग? हाँ दोस्तों, फिनिशिंग। आप यहाँ पर एक बड़ा चम्मच गेहूं का आटा डालना और इसको अच्छे से पालक के साथ 2 मिनट तक भूनना। भुना हुआ आटा पालक से पानी को बिल्कुल अलग नहीं होने देगा और जो ग्रेवी है वो बहुत ही बढ़िया बनेगी। ये है दोस्तों एक सीक्रेट। अब 2 मिनट भुनने के बाद आप 4 चम्मच दही में गरम मसाला डालना और ये यहाँ पर डालकर थोड़ी देर तक पकाना और फिर आप यहाँ पर गरम गरम पानी डाल देना। ठंडा पानी मत डालना दोस्तों पालक में, गरम पानी ही डालना। इसको अच्छे से मिलाना और अगर आप चाहते हो बिल्कुल घर में गेस्ट आ रहे हैं तो उनको इम्प्रेस करने के लिए, तो 2 बड़े चम्मच मलाई के डाल देना, वो जो दूध के ऊपर जमती है ना, बिल्कुल वही वाली। नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। एंड में मैंने यहाँ पर पनीर डाला है और बार बार आपको वो तवा तो दिख ही रहा था साइड में, तो तवे में मैंने कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट किया है और उसको यहाँ पर डाल दिया है। है दोस्तों सारे वही सिंपल मसाले, लेकिन पकाने की टेक्निक इतनी अलग है और तभी पालक पनीर का टेस्ट एकदम डिफरेंट आता है। यहाँ पर आपने ढक्कन लगाना है, लेकिन पालक पनीर को पूरा नहीं ढकना, हल्का सा एक एरिया छोड़ना है दोस्तों। इससे आपकी पालक का जो कलर है, जो स्वाद है, वो एकदम मेंटेन रहेगा। और ऐसे आप सिर्फ 5 मिनट तक पकाना। 5 मिनट तक पकने के बाद यहाँ पर गैस को बंद कर देना और अब आप पालक को ढक सकते हो। और एंड में अगर आपको बढ़िया सी खुशबू चाहिए तो ये तड़का जरूर मारना। थोड़े से देसी घी में आप यहाँ पर भर के लहसुन डालना, थोड़ी सूखी लाल मिर्चें और कश्मीरी लाल मिर्च, और ये आप डालना दोस्तों पालक पनीर में। जो खुशबू आएगी ना, मैं सच बता रहा हूँ, किसी को यकीन नहीं होगा कि इतने अमेजिंग पालक पनीर बने हैं घर पे। ये करते ही आप यहाँ पर फ्रेश धनिया डालना और ढक्कन लगाना ताकि तड़के की खुशबू बिल्कुल पालक पनीर के अंदर तक आए। और फिर दोस्तों आप ये खा कर देखना। मैं गारंटी देता हूँ कि इतने अमेजिंग पालक पनीर बनेंगे कि सच में सबको याद रहेंगे। सर्दियों में पालक पनीर तो बनता ही है, लेकिन एक और चीज बनती है, मटर पनीर। दोस्तों मटर पनीर की एकदम ढाबा स्टाइल रेसिपी, उसके लिए आप ये वाली वीडियो देखना, आपको बहुत पसंद आएगी।